नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण उन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। माता का ये स्वरूप स्वयं देवी गायत्री का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोक्ष के द्वार खोलने वाली स्कंद माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माता का यह अद्भुत स्वरूप चार भुजाधारी कमल के पुष्प पर विराजमान है, जिसकी वजह से इनको पद्यासना देवी भी कहा जाता है। बता दें कि भगवान स्कंद स्वयं बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर के वध के दौरान माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। अगर हम स्कंद माता के रूप का वर्णन करें तो उनका सौंदर्य अनुपम है। इनकी चार भुजाधारी हैं, जिसमें दो हाथों में कमल का फूल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ में बाल रूपी स्कंद जी विराजित है। स्कंद माता का प्रिय रंग सफेद शांति सद्भाव और सादगी का प्रतीक है। अपने साथी शेर पर सवार माता का स्वरूप हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। किसी भी कार्य को करते समय एकाग्र होना आवश्यक है। एकाग्रता हमारे कार्य को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। माता का यह स्वरूप हमें एकाग्र रहकर जीवन को सफल और निर्भीक होकर चलाने की सीख देता है। मनुष्य का जीवन सुख दुख अच्छाई बुराई से भरा एक देवासुर संग्राम के समान है। हम अपने संग्राम के खुद सेनापति हैं। ऐसे में स्कंद माता की आराधना से हमें जीवन में सैन्य संचालन करने की शक्ति मिलती है। माँ स्कंद माता मातृत्व और संतानों के प्रति देखभाल की सीख देती है। तो आइए इस नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की शक्तियों को अपने अंदर धारण कर अपने जीवन को एकाग्रता के पथ की ओर समर्पित करते हैं।